जनपद सिद्धार्थ नगर में एसओजी सर्विस लांस व बांसी कोतवाली की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बताते चले, बांसी कोतवाली के बांसी में क्रिप्टो टेंडर के नाम से एक संस्था चल रही थी जो लोगों के आधार कार्ड व मोबाइल नंबर की फीडिंग करती थी। उसी का फायदा उठाते हुए संबंधित फर्म के लोग आम लोगों के फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी सिम के जरिए फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर गलत ढंग से पैसे का लेन देन करते थे। पुलिस टीम की पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा क्रिप्टो करेंसी USDT की ट्रेडिंग करते हैं। अपने अकाउंट से पूर्व में ट्रेडिंग करने पर ज़्यादा संख्या में ट्रांजैक्शन व पैसे के कारण बैंक द्वारा पूछताछ की गई थी, जिससे डरकर हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े व्यक्ति से दूसरे के नाम के अकाउंट व सिम कार्ड के खरीदने के लिए संपर्क किया। उसके द्वारा 7,000 रुपये प्रति फर्जी खाता व सिम कार्ड जो दूसरे के नाम से होते हैं उनको ऑनलाइन पेमेंट कर देने पर DTDC कुरियर के माध्यम से औरंगाबाद से भेज दिया जाता था, जिसको हम लोग अपने 3 मोबाइल फ़ोन में लगाकर अनवेरीफाइड व्यक्तियों को क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से 20% अधिक दाम पर सेल करके लाभ कमाते हैं। चूँकि यह खाते 2 से 3 दिन में फ्रीज हो जाते हैं, हम लोग लाभ के पैसों को अपने तथा परिवार के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अलग अलग खातों से ट्रांजैक्शन करने से किसी एजेंसी की नज़रों में नहीं आते थे और हम लोगों को टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से कोटक बैंक के 6 अदद फर्जी बैंक अकाउंट, MyMPN व ATM पासवर्ड, 4,50,000 रुपये नकद, 11 अदद विभिन्न बैंकों के ATM, 5 अदद मोबाइल फ़ोन, 8 अदद चेकबुक, 1 मोटरसाइकिल, 14 अदद विभिन्न कंपनियों के मोबाइल सिम बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। ये SOG टीम और थानावासी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाले 2 क्रिप्टो ट्रेडर्स की गिरफ्तारी की है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि DTDC सेंटर है थानावासी क्षेत्र अंतर्गत, जहाँ पे कुछ सस्पिशियस डिलीवरी होती है, जिसके आधार पर इनको पकड़ा गया था। इनके पास से जो डिलीवरी जो प्राप्त हुई उसके अंदर 5 सिम कार्ड और 5 बैंक अकाउंट्स कोटक बैंक इनसे प्राप्त हुए थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और उसमें हम लोग अपने फर्जी बैंक अकाउंट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल इनकी ट्रेडिंग होती है वो जो बैंक अकाउंट है 3 से 4 दिन में फ्रीज हो जाते हैं, इसलिए इनको लगातार इस प्रकार के फर्जी बैंक अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए इन्होंने एक व्यक्ति जो इनको टेलीग्राम ऐप के माध्यम से मिला था वो औरंगाबाद से इनको ये डिलीवरी करता था। इसके आधार पर ये लोग ट्रेडिंग कर रहे थे और इसमें जांच में इनके द्वारा ये फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करना पाया गया, जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पास से कुल 6 जो फर्जी बैंक अकाउंट्स हैं उनके डिटेल और पासवर्ड और चेकबुक्स इनके पास से प्राप्त हुए, 8 चेकबुक, 5 मोबाइल फ़ोन, 11 ATM और 14 सिम कार्ड इनके पास से बरामद किए। साथ ही 4,500,000 रुपये नकद इनके पास से बरामदगी की गई। इनके जो विभिन्न बैंक अकाउंट्स हैं उसमें लगभग 60,00,000 रुपये हैं, जिसको भी फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें मेन आदमी अब्दुल रहमान है, ये सारी ट्रेडिंग करता था और जब भी इसे अपना पैसा रियल इंडियन मनी में चाहिए होता था तो वसीउल्लाह के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और उसके माध्यम से निकालता था। वसीउल्लाह को भी इसके पूरे इस ट्रेडिंग करने की पूरी जानकारी थी। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। बरेली पुलिस लाइन में उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन ने शिक्षक दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बच्चों ने शिक्षकों को समर्पित प्रस्तुति देकर शिक्षकों का मान बढ़ाया। सारथी सदस्य मधुरिमा ने कविता के माध्यम से स्कूल के दिनों को याद किया। वामा सारथी सदस्य राजी सत्यार्थ ने बच्चों को शिक्षक दिवस का महत्व समझाया। वहीं मॉडर्न स्कूल के बच्चों ने नाटक के माध्यम से
ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के प्यार को दर्शाया। इस मौके पर वामा सारथी की अध्यक्ष सुधा राज, वामा सारथी की सदस्य मधुरिमा वामा, सारथी सदस्य राजी सत्यार्थ और अनु चौधरी सहित तमाम माता पिता मौजूद रहे। मेरा नाम आलिय शर्मा है और ये 5 सितंबर को टीचर्स डे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने हमारे इंडिया और विदेश में जाकर शिक्षा को पढ़ाया और विदेशों से उन्हें बुलाया जाता था शिक्षा देने के लिए। इसलिए 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। कही हुई बातों को आज की पीढ़ी ये नहीं कर रही है। हम लोग अपने टीचर्स की बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेते और ये हम गलती करते हैं, जिसका खामियाजा हमें आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। और आज हम लोग अपने शिक्षक दिवस के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स डे भी मना रहे हैं। अब ये बताइए कि ग्रैंड पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? कौन बताएगा कि ग्रैंड पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? बताइए। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। जनपद कासगंज के ब्लॉक अमामपुर में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजेंद्र सिंह पर गुंडई करने का आरोप लगा है, जो पूर्व प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख पर अविनाश कुमार ने लगाया है। अविनाश ने मंडलायुक्त को रजिस्टर्ड डाक से क्षेत्र पंचायत सदस्य की 26 कार्यों की सूची पर आपत्ति की थी तथा सरकारी धन का दुरुपयोग की शिकायत की थी, जिसकी जांच करने प्रवेदिक परीक्षक विवेक वाष्णे विकासखंड अमामपुर पहुंचे, जहाँ शिकायतकर्ता अविनाश कुमार मौजूद था। जब मौके पर जांच करने जा रहे जांच अधिकारी के साथ अविनाश जाने लगा तो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने अविनाश के हाथ पैर तोड़ने एवं जान से मारने की धमकी दे डाली तथा मारपीट के लिए भी दौड़ने का आरोप लगाया। इससे पूरी तरह प्रतीत होता है कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सत्ता के नशे में चूर हैं, जो सत्ता के बल पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार है, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम लोधीपुर, सोनपुर डेंगरी से। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे घटना साथ ये हुई कि मैंने 27 तारीख को रजिस्ट्री की थी आयुक्त के यहाँ पे जी, सरकारी धनराशि के दुरुपयोग में और अनियमितताओं के खिलाफ की थी मैंने जी। जो भी कार्य पक्के हुए या छोटे हुए उन पर शिकायत मैंने दर्ज कराई थी और जब यहाँ टीम आ गई थी तो मुझसे आधा घंटा पूर्व आज मुझे बताया गया, तो मैं समय पर आ गया था। जब जाँच हो रही थी तो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने मुझे मारने की कोशिश की और बार बार मुझ पर मारने के लिए बार बार दौड़ रहा था मारने के लिए, तो अधिकारियों ने वहाँ पे मना कर दिया। फिर जब मैं ऊँचा गांव की बात हुई तो मुझे ले जाने की उन्होंने कहा, तो उसने कही कि हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे अगर तू हमारे साथ गया तो, और यहाँ पे बदसलूकी करते हुए मेरे साथ अन्याय कर रहा था। कौन से ब्लॉक का मामला? ये अमापुर ब्लॉक का मामला है। किसी अधिकारी से आपने शिकायत की? हाँ, मैंने अधिकारी से शिकायत की थी। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। बरेली शराब की दुकान पर बीच सड़क मारपीट कर रहे युवकों को आईजी ने पकड़ा।
बीच सड़क चढ़ रहे थे लात घूसे, शराब पीकर युवक कर रहे थे गुंडागर्दी। निजी प्रोग्राम में शामिल होकर लौट रहे थे आईजी एसपी सिटी राहुल भाटी बरेली पुलिस को देखकर भागे। बाबली शराब की दुकान के बाहर शराब पीने पर दुकानदार को जमकर हड़काया। एसपी सिटी को दिए अभियान चलाने के निर्देश। बरादरी थाना क्षेत्र के डोहरा चौराहे की घटना। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी। अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता: रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। जहां आज पूरे देश में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं सिद्धार्थ नगर जनपद के स्वर्गीय ब्रजभूषण तिवारी मैरिज हॉल में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि बांसी नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इदरीश पटवारी द्वारा बांसी माघ मेला मैदान में बने स्वर्गीय ब्रजभूषण तिवारी मैरिज हॉल में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी रहे। वहीं इस सम्मान समारोह में दर्जनों की संख्या में कार्यरत अध्यापक और सेवा निर्वृत हुए। अध्यापक में उपस्थिति दर्ज कराए वह नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इदरीश पटवारी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चमन आरा रायनी ने सभी अध्यापकों का फूलमालाओं से स्वागत किया और अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक की शिक्षा ही नहीं देता है, बल्कि शिक्षा के साथ साथ दिशा दिखाता है। अगर शिक्षक ना होते तो लोग बिखर जाते। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इदरीस पटवारी ने कहा कि शिक्षक हम सब के गुरु हैं और शिक्षक का सम्मान करना सबका कर्तव्य है। इसी के तहत आज शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जी, आज आपके द्वारा जो है शिक्षक सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है और क्या कहना चाहेंगे? इसका मूल उद्देश्य है कि शिक्षक समारोह में जो भी आए हैं शिक्षक सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग आए और सम्मान हमने सबका किया। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और आने वाले दिनों में मैं फिर सबका सम्मान करता ही रहूँगा। बहुत बहुत स्वर्गीय ब्रजभूषण तिवारी मैरिज हॉल में शिक्षक सम्मान समारोह हुआ, इसमें आप मुख्य अतिथि रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दर्शन दुनिया के देशों में जो बहुत बड़े देश हैं उसमें रूस का नाम आता है। रूस में सर्वाधिक अगर प्रतिष्ठा किसी को मिलती है तो शिक्षकों को मिलती है। इसलिए मिलती है, हमारा ये सोचना गलत है कि शिक्षक हमें शिक्षा ही देता है। शिक्षक हमारे जीवन के सारे डिसिप्लिन को नियंत्रित करता है, खेल के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, वाद विवाद के क्षेत्र में, ओशनोग्राफी के क्षेत्र में, डेमोग्राफी के क्षेत्र में, दुनिया में जितने हमारी जिंदगी से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं उनमें शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। दुर्भाग्य यह है कि लोग मीनार को देखते हैं, नींव के पत्थर को उपेक्षित कर देते हैं। हमारे देश में जो नींव के पत्थर हैं, जो प्राथमिक शिक्षक हैं, जो पूर्व माध्यमिक शिक्षक हैं, जो उससे आगे उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं, इनका योगदान देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में, चरित्र के निर्माण में, संस्कृति की रक्षा में, देश को दिशा देने के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान है। अगर शिक्षा उपेक्षित हुई, अगर शिक्षकों का सम्मान नहीं हुआ, अगर शिक्षकों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया तो ये सारी उपलब्धियां जो दुनिया जिसका लाभ उठा रही है समुन्द्र से लेकर आसमान तक, वो सब इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं शिक्षकों की बदौलत है। इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने दुनिया को इस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशन दिए।
जहाँ तक राष्ट्रपति जी का या उपराष्ट्रपति जी उस वक्त थे, 1961 में ये गोरखपुर में आए थे और राधाकृष्णन जी एक शिक्षक थे, राधाकृष्णन जी एक पॉलिटिशियन थे, राधाकृष्णन जी सबसे बड़ी उनकी हैसियत थी वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। भारत सेवक समाज का उद्घाटन करते हुए गोरखपुर में उन्होंने कहा था, लेट दी रिच मेक देयर हाउसेस इन ऑर्डर, पुअर्स आर बाउंड टू फॉलो देम। अगर समाज का बड़ा आदमी, बड़ा से धनवान नहीं, समाज का बड़ा आदमी लाइन में खड़ा हो जाए तो बाकी अपने आप उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। अनुशासन, चरित्र निर्माण, राष्ट्र को गति देना, एक अच्छे संस्कारी नागरिकों का निर्माण करना, ये शिक्षकों के ही द्वारा होता है। और जहाँ शिक्षक सम्मानित, माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का, पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद, डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। एसएससी के निर्देशन में लुटेरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना भूता पुलिस ने प्रीति पेट्रोल पंप से 12,000 रुपए का डीजल और 20,000 रुपए की नकदी की लूट करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 10,000 रुपए नकद, घटना में शामिल स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, तमंचे, कारतूस, चाकू और खाली कैन बरामद की है। घटना का अनावरण करते हुए सीओ गौरव कुमार ने बताया कि थाना भूता उप निरीक्षक रविंद्र सिंह राणा हमराही पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर 14 अगस्त को प्रीति पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले अभियुक्त रंजीत पुत्र कस्तूरी निवासी अब्दुल्लापुर माफी थाना इज्जत नगर, शिवम पुत्र बीरपाल निवासी अदलखिया थाना इज्जत नगर, दिव्यांशु पटेल पुत्र नानक चंद रूपापुर बड़ापुरा थाना इज्जत नगर, निर्दोष पुत्र भगवान दास ग्राम डांडिया थाना इज्जत नगर को गिरफ्तार किया। ये दिनांक 14 अगस्त 2022 को प्रीत फिलिंग स्टेशन पे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है स्विफ्ट गाड़ी में जो 12,000 रुपए का तेल भरा के और सेल्समैन से 20,000 रुपए की लूट करने की घटना कारित की गई थी। इसके संबंध में थाना भूता पुलिस और सर्विलांस एसओजी टीम के सहयोग से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा थाना फरीदपुर में 2 घटनाएं और थाना भित्री चैनपुर में इसी तरह की घटनाएं घटित करने की बात स्वीकार की गई है। इनके पास से जो घटना में प्रयोग की गई स्विफ्ट कार वो बरामद की गई है, 10,000 रुपये नकद वो बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 3 तमंचे और 6 कारतूस ये इनके पास से बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त 50-50 लीटर के 2 कैन इनके पास से बरामद किए गए हैं। अभी तक तो इन्होंने ये बताया कि जो अपने खर्चे के लिए इसी के लिए इन्होंने जो है ये घटनाएं अभी तक अंजाम दी हैं, और बेचने की बात इन्होंने अभी तो नहीं बताई, लेकिन ये बता रहे हैं कि जो हम भरवा के इसको जो है अपना जब ख़त्म हो जाता तो अपनी गाड़ी में डलवा के इसको हम कंज्यूम करते थे। चारों आरोपी स्टूडेंट हैं तो जी बताएं कि कैसे प्लान है कि जो ये चारों आसपास थाना इज्जत नगर के जो रहने वाले हैं और आपस में एक दूसरे के जानने 3-4 साल से इनकी जान पहचान है, इसी तरह से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब ऑल इंडिया फोरम देवकाली पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों व जी पॉइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर देवकाली शाखा के समस्त अभिकर्ता और पदाधिकारियों ने विश्राम दिवस मनाया। इसके साथ साथ LIC मेन ब्रांच बैनीगंज में भी पदाधिकारियों ने कार्य बहिष्कार कर विश्राम दिवस मनाया। देवकाली शाखा के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने बताया कि हम आज अपनी कई मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पॉलिसी धारकों से पॉलिसी रेट पर अधिक ब्याज, पॉलिसी प्रीमियम पर GST हटाई जाए, इसके साथ साथ पॉलिसियों पर बोनस बढ़ाया जाए आदि। वहीं LIC मेन ब्रांच संगठन के महामंत्री अंजनि कुमार श्रीवास्तव LIC के पदाधिकारी आज पूरे प्रदेश में विश्राम दिवस मना रहे हैं। उच्च अधिकारियों से हम यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा हमारे कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक चलता रहेगा। कमेटी की ज्वाइंट एक्शन कमेटी है,
जिसके आह्वान पर हम लोगों ने ये स्ट्राइक 1 सितंबर से ही सांकेतिक हड़ताल किया है, जिसमें हम लोग प्रतिदिन 1 घंटे गेट मीटिंग करते हैं और स्लोगन साइटिंग करते हैं। उसके बाद फिर 5 तारीख को ये पूरे ऑल इंडिया की डिमांड थी कि आज पूरे भारत में अभिकर्ता संघ, लियाफी और जो भी कमेटियां हैं, हमारी JWC ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उसके तहत ये आह्वान किया गया था कि आज 5 तारीख को हम लोग कार्य से विरत रहेंगे और विश्राम दिवस मनाएंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग सुबह से ही यहाँ पे अपना विश्राम कर रहे हैं और हम लोग आज कोई LIC से संबंधित कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे? मांगे हैं, सबसे पहले तो हम अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए 2-3 डिमांड रखे हैं, जिसमें पहला डिमांड ये है कि उनको जो लोन दिया जाता है पॉलिसी पे, उस पर ब्याज बहुत अधिक है, वो ब्याज कम किया जाए। दूसरी GST है, GST हमारे पॉलिसी पे ना लगाई जाए, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स GST देने से इतराता है। और तीसरी डिमांड ये है कि पॉलिसी होल्डर हमारे ऑफिस में आता है और जिनके पास एजेंट नहीं है तो इधर उधर भटकता है, उसको भटकना ना पड़े, हमारे पॉलिसी होल्डर को बेहतर सेवा दी जाए। एजेंट तो सब काउंटर पे जानता है कि कैसे काम कराना है, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स को मालूम नहीं होता, वो इधर से उधर भटकता है, अधिकारी लोग इधर से उधर से उसको टहलाते हैं। तीसरा ये है। चौथा ये है कि पॉलिसी पे हमारे इधर बोनस कई सालों से नहीं बढ़ा है, हमारी पॉलिसियों पे बोनस बढ़ना चाहिए, जबकि हमारा व्यवसाय काफ़ी बढ़ चुका है और उसके साथ साथ बोनस भी पॉलिसी होल्डर्स को बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे पॉलिसी होल्डर अट्रैक्ट हों। हम लोग बीमा तो समझा के अच्छा से कर लेते हैं। कब तक जो है प्रदर्शन ये करते रहे? पूरा 30 सितंबर तक के लिए है, जिसमें हम अभी 15 सितंबर को भी विश्राम दिवस मनाएंगे, फिर 30 सितंबर को भी मनाएंगे और 21 सितंबर से और 21 सितंबर तक, 18 अक्टूबर से और 21 अक्टूबर तक, ये 3 दिन का हमारा विश्राम दिवस रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजनी कुमार श्रीवास्तव है। किस पद पे आपने? यहाँ पे मैं मुख्य बीमा सलाहकार हूँ और संगठन में किस? संगठन में हम महामंत्री पद पे कार्य कर रहे हैं। ऑल इंडिया की स्ट्राइक है, 20 सूत्री मांग है, जिसमें पहली मांग है कि हमारे अब पॉलिसी धारकों का बोनस बढ़ाया जाए और दूसरी चीज़ है GST को कम किया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि जो भी हमारे अभिकर्ताओं की ग्रेजुटी है उसको बढ़ाई जाए और भी जो कस्टमर्स का GST लग रही है उसको ख़त्म किया जाए और लोन का जो ब्याज हमारा कस्टमर दे रहा है उसको भी कम से कम रिड्यूस किया जाए। और भी हमारे 20 डिमांडेड हैं, जिसमें हमारे एजेंटों की डिमांड है, एजेंटों की ग्रेजुटी है, ग्रुप इंश्योरेंस बढ़ाया जाए, मेडिक्लेम्स वो बढ़ाई जाए और उस पर इन सब की मांगों को लेकर हम लोग का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आर इंडिया 30 नवंबर तक का कार्यक्रम है, हम लोग का उस तक का प्रोग्राम है। आज हम लोग का पहला प्रोग्राम ये था कि गेट पे कोई भी BOC, कोई भी RPR, कोई भी प्रीमियम पॉइंट, LIC का कोई भी, सभी बंद रहेंगे और कल से हम लोग एक एक दो दो घंटे पे धरना प्रदर्शन ब्रांच में करते हैं। काली पट्टी बांध करके हम लोग उसका प्रदर्शन करते हैं। क्या मांग करेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने अधिकारियों से? क्या अधिकारियों से मांग कर, जो हमारी 20 सूत्री कार्यक्रम जो ऑल इंडिया ने हमें मुझको कॉल दिया है उस पर हम ले लें, उस पर विचार करें और उनकी मांगों को मंजूर किया जाए। हम लोग, क्या नाम आपका? संजय शुक्ला। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। बरेली बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष अरविंद कुमार एडवोकेट और सचिव वीरेंद्र प्रसाद ध्यानी एडवोकेट के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और पारिवारिक न्यायालय को वर्तमान न्यायालय परिसर से बीर भट्टी सुभाष नगर स्थानांतरित किए जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि बादकारों को इससे बहुत परेशानी होगी और वकीलों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बरेली बार एसोसिएशन ने अपने 5 सूत्री ज्ञापन में जिलाधिकारी को परेशानियों से अवगत कराते हुए कहा कि 1 सितंबर 2022 को प्रधान न्यायाधीश और जिलाधिकारी द्वारा स्थानांतरित स्थान का निरीक्षण किया जाना बिना बरेली बार एसोसिएशन के संज्ञान में डाले बिना न्यायोचित नहीं है।
उनका के बरेली न्यायालय में लगभग 5000 अधिवक्ता वकालत करते हैं और उनके पास इतना समय नहीं है कि वह नए स्थानांतरित जगह पर जाकर न्याय कार्य करें। क्रिमिनल कोर्ट में चल रहे हैं वादों को देखने और पारिवारिक न्यायालय के वादों को देखने में स्थान परिवर्तन से काफ़ी विभिन्नता आएगी और समय का अभाव और बर्बादी भी होगी। उन्होंने कहा कि पारिवारिक न्यायालय को बिना सर्वसम्मति से स्थानांतरित किया जाना न्याय उचित नहीं है और वकीलों में रोष व्याप्त है। वकीलों के हितों को देखते हुए और बादकारों की परेशानी को देखते हुए पारिवारिक न्यायालय को जहां था वहीं था, स्थिति बनी रहने दिया जाए और स्थानांतरण का आदेश निरस्त किया जाए। देखिए पारिवारिक न्यायालय हमारे यहाँ है, जो पारिवारिक केसेस करता है उस न्यायालय को बरेली परिसर से अन्य जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होने पर अधिवक्ताओं में रोष है और अधिवक्ता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसके मांग आपने ज्ञापन दिया, किसको संबोधित? हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को, अभी हम आप ज्ञापन देंगे जिला जज महोदय को, हम ज्ञापन देंगे अपने प्रधान न्यायाधीश महोदय को। प्लीज यहाँ पहले वो बनाइए, बाद में चले एक मिनट, प्लीज प्लीज। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बांसी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बांसी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बांसी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बांसी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम अलियापुर रेलवे क्रॉसिंग के निकट एक युवक अपने गन्ने के खेत में पानी लगा रहा था। गन्ने के खेत में अचानक निकले 5 व्यक्ति साधु के वेश में थे और उनकी कैद में 5 वर्ष का मासूम बच्चा था। यह देख ग्रामीण भयभीत हो गया। ग्रामीण ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर खेतों में पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस खेतों में काबिंग की और ड्रोन कैमरे से निगरानी की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा और पुलिस खाली हाथ वापस लौट आई। गोपाल, कहाँ रहते हो आप? क्या मामला था यहाँ पर? मैं खेत में पानी लगा रहा था। किसके खेत में? संजय चाचा। अच्छा, तो मैं आ रहा था पानी लगाते लगाते, आगे साठ फटते फटते आ रहा था, तो कुछ खर फर आवाज आई, तो मैंने सोचा कुछ जानवर हूँ खारी में, तो मैंने भगाया हूँ, तो मैं थोड़ा रख दी। मैं आया तो वो आदमी दिखाने मुझे बाबा लोग। अच्छा, कितने थे ये? 5। अच्छा, बाबा बच्चे को पकड़े हुए थे? हाँ, गोद में ले लिए हुए थे। अच्छा, और मुंह में टेप लगा हुआ था बच्चे के? हाँ, बच्चे के। कितना बड़ा बच्चा होगा? कोई होगा करीब 3.5-4 साल का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं आया पेड़ गाड़ में, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, मैं भाग गया। अच्छा, मैंने संजय चाचा को फोन किया। अच्छा अच्छा। हाँ, ये आए फिर लोगों ने सभी फोन किया। हमारा नाम सुमित कुमार प्रधान। अच्छा, इसे क्रॉसिंग क्या हो गया, क्या मामला था? मामला ये है कि यहाँ एक बच्चे को पकड़े हैं, 4 बाबा हैं, संजू प्रधान ने देखा है। अच्छा, और चारों तरफ आदमी लगे हुए हैं, पकड़े हैं। अब फोर्स भी आ रहा है। कोई बच्चा साथ में था? कोई बच्चा है साथ? बच्चा है, लड़की के टेप भी लगाए हुए। ये आज सुबह PRV पर 9:05 पर एक सूचना मिली थी। एक व्यक्ति गोपाल, जो सरसा थाना नवाबगंज का रहने वाला है, उसके द्वारा बताया गया था कि उसके द्वारा देखा गया है कि कुछ बाबा लोगों के द्वारा एक बच्चे को खेत की तरफ भेजाया गया था, जैसा उसने बताया। जैसे सूचना प्राप्त हुई ड्रोन से, साथ ही साथ हमारे 3 थानों की पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पहुंचे और वहां पर पूरे एरिया को कॉम्बिंग करवाया गया है और अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है और अभी भी लगातार वहां पर हमारी ड्रोन से कॉम्बिंग जारी है और हो सकता है कि एक पूरी अफवाह है और मैं इसके अंदर अभी हम लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं और ऐसा अभी तक कुछ सामने निकल के नहीं आया है कि जिसमें कि ऐसी कोई बात है जिसमें कि किसी बच्चे को किसी बाबा के द्वारा ले जाया गया है और लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है और साथ ही साथ इस तरह की जो अफवाहें चल रही है उस पर भी नज़र रखी जा रही है और
एक अपील मैं करना चाहूँगा कि इस तरह की जो अफवाहें हैं उस पर ध्यान ना दें, ना ही इस तरह की अफवाहें फैलाएं। जो भी इस तरह की अफवाहें फैलाएगा उसके खिलाफ। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। बरेली हजियापुर वार्ड 15 में जल निकासी और सड़क टूटी गंदगी को लेकर पोस्ट वार्डन रिजवान हुसैन नियाजी के नेतृत्व में नगर आयुक्त निधि गुप्ता को क्षेत्र वासियों ने ज्ञापन दिया और गली की समस्या को ठीक कराने की मांग की। रिजवान हुसैन न्यायजी ने बताया हजियापुर में सावरी मस्जिद के पास क्षेत्र रहने वाले क्षेत्रवासियों को नाली की गंदे पानी सड़क पर भर जाने से गली में निकलने को लेकर बहुत परेशानी है। गली में गंदा पानी भरा होने के कारण संक्रामक बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा है। हजियापुर शहर की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। यहाँ की गलियाँ टूटी पड़ी हैं जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त व जीना मुश्किल हो गया है। क्षेत्रवासियों ने वार्ड 15 के पार्षद से इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं। पार्षद का कहना है नगर निगम में पैसा नहीं है, गली में ठेले वाले सब्जी बेचने आते हैं, उनके चेले लुढ़क जाते हैं। बच्चे व बुजुर्ग सड़क टूटी होने के कारण कई बार गिर चुके हैं, उनकी चोट आ चुकी है। नमाज पढ़ने जाते हैं तो गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गली वालों ने नगर आयुक्त से गली को ठीक कराने की मांग की। ज्ञापन के दौरान दिलशाद इसाक, मोहम्मद आसिफ, इमरान, वाहिद अहमद, मोहम्मद सलमान, शकील, अजीम अबरार, सिराज आदि लोग मौजूद रहे। नाम रिजवान हुसैन नियाजी है। क्या मामला है, आज आएगा? मामले सर, मैं हाजियापुर में ही रहता हूँ और सिविल डिफेंस पोस्ट क्वार्टर में हूँ। मेरे पास ये समस्या लेकर आए थे तो आज मुझसे आने के लिए कहा था, तो मैं भी देख कर गया था। मामला ये सावरी मस्जिद है हाजियापुर वार्ड 15 में, उसके आसपास जल निकास का मामला बिल्कुल शून्य है। पानी जो है नालियों का सड़कों पर उफान मार जाता है, रोड भी उबड़ खाबड़ है। कई बार इसको अवगत कराया गया लेकिन फिर भी उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कल ये लोग माननीय सांसद जी संतोष गंगवार जी यहाँ गए थे, उन्होंने आज यहाँ इनको लोगों को नगर निगम भेजा है। तो अभी हम लोग नगर आयुक्त महोदय को ये ज्ञापन देंगे। समस्या सर बहुत ख़तरनाक है, वहाँ एक मस्जिद भी है वहाँ, और स्कूल में बच्चे वगैरह जाते हैं, उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है। कई ठेले वाले ठेले लेकर लुढ़क चुके हैं, कई कुछ बहुत सारे बच्चों को और बुज़ुर्गों को निकलने में दिक्कत होती है, चोटिल हो चुके हैं। पानी वहाँ निकास न होने की वजह से पानी वहाँ जमा हो जाता है जिससे हज़ारों संक्रामक रोग पैदा हो सकते हैं, आपको तो पता ही है। और फिर ये कोविड-19 का दौर चल रहा है तो हम लोग यही इसलिए इसी समस्या को लेकर के आएँ कि IAS आप नगर आयुक्त महोदय IAS हैं, बहुत होनहार हैं, हमने सुना है कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इस आशय से हम सारे हजियापुरवासी अपनी समस्या को यहाँ रखने आए, उम्मीद करते हैं कि अगर मुलाकात हो जाएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर।
माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।